गुजार है उस भाई का। यकीन मानो आज हम में बड़े सारे लोग हैं जिसका प्लान दिन रात समझाता है, बताता है कि आप ऐसा नहीं, आप ऐसा करें, आने वाले टाइम में आप ये नहीं आप वो बन जाएंगे, आने वाले टाइम में आप इतना बड़ा इंसेंटिव कमाएंगे, आने वाले टाइम में मेरी बात को सुने समझे काम किए तो आपकी एक अच्छी जिंदगी होगी। यहाँ पर बड़े सारे लोगों के प्लान बड़ी सारी अच्छी अच्छी बातें बताते होंगे, समझाते होंगे, लोग इस कान से सुनता होगा, इस कान से निकाल देता होगा। उन्हीं में से मैं भी था, मेरे भी अपलाइन मुझे दिन रात समझाते थे, फॉलो करते थे, कंटिन्यू बताते थे कि सलमान अभी आपकी छोटी एज है, अभी इस काम को आप कंटिन्यू कर लेंगे ना, समझ लेंगे ना, आपके लिए बहुत बेहतर होगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और मुझे लगता था मुझे ये सब काम वगैरह नहीं करना है, क्यों? क्योंकि मैंने इस काम में मुझे लगता था इन सारे कामों में फ्यूचर नहीं है। मैं बाहर का जो था ना, बड़े सारे लोगों इसमें से बैठे होंगे, मैं आज क्लियर कर दूंगा आखिर इस काम को करने के फायदे क्या है। मैं आज रियल बता रहा हूँ, आज मैंने अपनी जर्नी में जब से मैं इस कंपनी में काम किया हूँ मैंने किया क्या है, आज इतनी छोटी सी एज में एक जिंदगी क्या है। आज की मैं करंट टाइम की मैं बात करूं, हेलो, आज मैं छोटी सी एज में मैंने इस काम और मुझे इस काम को करते हुए कोई लॉन्ग टाइम काफी लंबा समय नहीं हो गया है कि कोई ज्यादा लॉन्ग टाइम हो गया है मुझे। आज की मैं बात करूं कम टाइम में कम समय में मैंने बहुत कुछ अचीवमेंट किया है, बहुत सारी चीजें मैंने बनाए हैं, और जो मेरी सोच था मेरे विचार थे उस सोच से भी ज्यादा मुझे मिला है। आज बड़े सारे लोगों का प्लान समझाते होंगे आप ये नहीं आप ऐसे करें, आप ऐसे नहीं आप वैसे करें, आपके यहाँ से आप वो कर सकते हैं, बड़ी सारी चीजें कर सकते हैं, एक अच्छी जिंदगी हो सकती है, आप अपने घर की आर्थिक स्थिति को सही कर सकते हैं, अपने घर की कंडीशन को सही कर सकते हैं। पर बड़े सारे लोगों के चीजों में समझ में नहीं आता, उसी तरीके से मैं भी था दोस्त, मुझे भी उतना समझ में नहीं आता था, मुझे भी लगता था नहीं यार इन सारे कामों में फ्यूचर नहीं होता है, मुझे बाहर पढ़ाई करना है, मुझे बाहर ये करने वो करने, मेरा एम मेरा टारगेट मेरा कुछ और है, मैं अगर इन सारी चीजों में भी से पढ़ जाऊंगा छोटी सी एज में तो मैं अपने एम से अपने रास्ते से अपने सपने से मैं भटक जाऊंगा। ये चीजें मुझ में चला करता था। और धीरे करते करते दोस्त कुछ समय बीता, टाइम बीता, जैसे जैसे ट्रेनिंग को लेता गया उसी तरीके से मेरी समझ बढ़ती गई। और जैसे बात करे दोस्त मैं इस ट्रेनिंग को उतना बेहतर तरीके से नहीं लेता था, क्यों? क्योंकि मैंने पहले बताया दोस्त मैं घूमने का बहुत आदी था, मैं मेरी बड़ी सिस्टर रहा करती थी, मेरी मौसी खाला रहा करती थी, तो मैं एक दिन के लिए बताकर जाता था, दो दो दिन चार चार दिन मैं रुका करता था, कभी अपनी सिस्टर के यहाँ कभी अपनी मौसी के यहाँ, तो ट्रेनिंग को मैं उतना नहीं देता था, जिसकी वजह से दोस्त थोड़ा सा समय बीता, समय बीतने के बाद ट्रेनिंग वगैरह मैं लेता गया, समझ बढ़ती गई धीरे धीरे करके। और जैसे ही थोड़ा सा समय बीता और मैं पहले बोला कि मैं इस काम को फुल टाइम करने के लिए नहीं आया था, सिर्फ ओनली फॉर एक से दो महीना करने के लिए आया था, और जैसे ही दोस्त मेरा एक से दो महीना कंप्लीट हुआ और मेरा स्कूल वगैरह ओपन हुआ, एडमिशन ओपन हुआ, घर से फोन आना स्टार्ट हुआ कि आप जहाँ भी हैं आप आ जाइए, आपका स्कूल ओपन हो चुका है, एडमिशन ओपन हो चुका है, आप आ जाइए। तो उसी तरीके से मैं भी सोचा कि ठीक है मैं आ जाऊंगा, आज नहीं कल, ऐसे ऐसे करके एक दो दिन गुजर गया। और हालांकि मैंने अपलाइन से बोला सर अब मुझे ना घर जाना है और एडमिशन मुझे कराना है, मुझे काम को नहीं करना है। और जैसे मैंने ये चीज अपने अपलाइन को बोला, मेरा अपलाइन सर बोले ठीक है सलमान कोई बात नहीं है आप चले जाइएगा, पर एक चीज ध्यान दीजिए सलमान। मैंने बोला जी सर। तो मेरे अपलाइन सर मुझे बैठाए और बैठा कर मुझे एक कॉपी पे, हेलो, एक कॉपी पे मुझे बैठाए और कॉपी पे मुझे बैठा कर समझाए, बोले सलमान आपकी एज अभी क्या है? मैंने बोला सर 16 साल। बोले चलिए ठीक है, आपने अभी तक पढ़ाई कितना किया? मैंने बोला सर अभी तक मैंने हाई स्कूल किया हूँ,
तो बोले अब इसके आगे आपको क्या करना है सर। हमने बोला हाई स्कूल किया हूँ तो इसके आगे और भी आगे अभी पढ़ाई मुझे करनी है। तो बोले ठीक है, अच्छी बात है, आप पढ़ाई कर बेहतर है। पर सलमान जी आप ये बताइए, आपके आसपास में ऐसे कितने लोग हैं जो पढ़ाई कर आज लाखों रुपए की अर्निंग कर रहे हैं, जो बड़ा बड़ा डिप्लोमा लेकर आज 50,000 रुपए का आज अर्निंग कर रहे हैं। एक जैसी आप जिंदगी चाहते हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो आपकी तरह जैसी आप जिंदगी चाहते हैं वैसे ये जीते हैं। मैंने अपने आसपास में दौड़ाया, ऐसा कोई भी नहीं है। आज बड़े सारे लोगों को मैंने, मेरे आसपास में बड़े सारे लोग हैं जो पढ़ाई लिखाई करके आज, ऐसा नहीं है कि सबके सब हैं, उसमें से गिने चुने लोग हैं जो आज कोई अच्छे लाइन में लगे हुए हैं। और नहीं, अधिकांश लोग जो हैं जो आज पढ़ाई लिखाई कर बेरोजगार हैं, कोई दिल्ली जैसे शहरों में, मुंबई जैसे शहरों में, कोई धागा लाइन में, कोई किस लाइन में आज लोग जॉब कर रहा है। आज लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट करने के बाद या इससे भी प्लस करने के बाद, समय देने के बाद, डिप्लोमा लेने के बाद, आज मैं नहीं कहूँगा कि एजुकेशन खराब है, एजुकेशन बेकार है, पढ़ाई वो है नहीं, एजुकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट। आज एजुकेशन है, एजुकेशन की वजह से मैं आज दो शब्द आपके बीच में बोल पा रहा हूँ। एजुकेशन एक ऐसा चीज है जो इंसान और जानवर में फर्क पैदा करता है, समझ पा रहे हैं? Yes, सर ने मुझे बैठाया, समझाया और मुझसे सवाल किया, ऐसे कितने लोग हैं जो अभी आप जिस पढ़ाई को कर आप जो जिंदगी जीना चाहते हैं लोग जी रहा है। मैंने बोला सर उसमें से 0.0.0 के बराबर लोग है। बोले अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं? आपको क्या विश्वास है कि आप जो पढ़ाई करेंगे आप उस चीज में सक्सेस हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे? हमने बोला सर मुझसे भी बिलियन बिलियन लोग के पास नहीं है विश्वास, तो मेरे पास कहाँ से रहेगा सर? फिर उसके बाद मेरे अपलाइन सर एक तरफ बाहर की दुनिया लिखते, एक तरफ ग्लेस की दुनिया लिखते हैं, और बाहर की दुनिया में 5-7 साल लिखते हैं, बड़े सारे डिप्लोमा वगैरह लिखते हैं, कोर्स वगैरह लिखते हैं। और मेरे अपलाइन सर बोले ग्लेस में जो लेवल उस टाइम CD PD EDHD RD DD और GDD लेवल होता था, आज करंट टाइम में न्यू लेवल एक्सचेंज हो गया है। उस टाइम में मेरे अपलाइन सर ने बोला कि सलमान अगर आप बाहर 5-7 साल भी अगर आप समय देते हैं, कोई क्लियर नहीं है कि आपको नौकरी लग ही जाएगा, आपको कोई क्लियर नहीं है कि आप महीने का 30,000-40,000 कमाने के लायक बन जाएंगे, पर ये गारंटी है आप मुझ पे विश्वास करें, भरोसा करें कि आप जिस भी प्रोफेशन में काम करने के लिए आए हैं, यकीन माने इस जगह पर अगर हम और आप 5 साल बाद ये लोग इस जगह पर हम और आप अगर 5 साल बाद भी RD बनेंगे ना, हेलो हम और आप 5 साल बाद भी अगर RD बनेंगे ना, जो छठवां साल होगा ना, हमारे आपके आसपास में कोई इंसान बराबर पैसा कमाने वाला नहीं होगा, पैसा कमाने वाला नहीं होगा। मेरा प्लान ने विश्वास दिलाया, भरोसा दिलाया, और मैंने ट्रेनिंग को भी लिया था और कई सारे लोगों की मैंने मीटिंग को भी कॉन्टेक्ट किया था, कई सारे क्लासे मेरे बीच में हो चुका था, जैसे राइट स्टेप वगैरह हो चुका था। फिर उसके बाद विश्वास मेरा प्लान ने दिलाया और इस काम करने के मेरा प्लान ने फायदे बताए कि सलमान इस जगह आप काम कर लेंगे तो आपके पास क्या जिंदगी होगा। मेरा प्लान ने बताया कि सलमान पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, हेलो प्लान ने बताया कि पैसा ही कमाना बड़ी बात नहीं है, आप बाहर की दुनिया से सिर्फ पैसा कमा सकते हैं पर ग्लेस इंडस्ट्री से, ग्लेस बिजनेस में पैसे तो आप कमाएंगे पर पैसे के साथ साथ आपके पास वो सारे कुछ रहेंगे, वो सारी चीजें रहेंगे जो शायद कभी आपने सोचा। बाहर की दुनिया दोस्त, जितना आज आप मान सम्मान दे रहे हैं ना दोस्त, बात करें आज जितना आप लोग ये कर रहे थे इससे कई गुना, हेलो कई गुना मान सम्मान की मैं बात करूं, आज मैंने पैसे तो जो कमाए वो साइड करें, मान सम्मान की बात करें जो मेरा खानदान का खानदान भी आ जाएगा ना, तो इतनी छोटी सी एज में जितना मैंने मान सम्मान कमाया ना, उतना मेरी एज में मेरे आसपास में किसी इंसान ने नहीं किया है दोस्त।
है? यस सर। हेलो। यस सर। कहते हैं दोस्त, मैं लाख सही फिर भी लोग हमें लाख कहते हैं। हेलो। यस सर। मैं लाख सही फिर भी लोग हमें लाख कहते हैं। बिगड़े हुए लोग हमें लाख कहते हैं। और हम इस कदर बिगड़े इस जमाने से कि पानी भी पीते तो लोग उसे शराब कहते हैं। समझाता था तो
नाइट को रात को निगेटिव होते थे, रात को समझाता था तो दिन को समझाना पड़ता था। ऐसे करते करते कई दिन गुजर चुके, हमने बोला कि इन लोगों को समझाना ही बेकार है। उसी तरीके से हमने बोला, अभी तक हम बात से समझा रहे थे, अभी समझने वाले नहीं। मेरे अपलाइन सर बोले, ये सब लोग एक ही चीज से समझेंगे जिस दिन आपके पास रिजल्ट होगा। लो जिस दिन आपके पास क्या होगा, हमने बोला सर तब क्या करें, तो बोले आपको आरडी बनना पड़ेगा, तब आपको समझाना नहीं पड़ेगा। हमने बोला ठीक है सर, कैसे करना है? फिर मेरे अपलाइन सर ने मुझे बताया कि सलमान आपको ऐसे ऐसे काम करना है। हमने बोला ठीक है सर, बिल्कुल ऐसे वैसे करना स्टार्ट किए। फिर कुछ समय बीता, बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आए, बड़ी सारी दिक्कतें आए, बड़े सारे गलत गलत भरा बुरा बोले। पर कहते रहे दोस्त कि जब तक सब्जी में नमक ना हो और जीवन में संघर्ष ना हो तो जीवन ही बेकार है। yes, तरीका हमने बोला ठीक है सर, कोई बात नहीं है, लोगों को जो बोलना है बोलने दो, मुझे कामयाब होना है, मुझे बनना है, मुझे कुछ भी करना पड़े। तो उसी तरीके से कहते नहीं है, मेरा प्लान सर बोला करते थे कि जीवन में लाइफ में जो परेशानियां होती हैं वो चाय में पड़ी मलाई की तरह होती है। किसकी तरह होती है? किसकी तरह होती है? इसको ध्यान देना, जीवन में जो परेशानियां होती हैं वो चाय में पड़ी मलाई की तरह होती है। अब यह स्टोरी है कि साला चाय पी रहे उसमें मलाई आ गई है, तो हम साला मलाई को देखे, अरे मलाई को साइड करके साला आप चाय पी जाए। हेलो, सारे लोग होते हैं जो परेशानियों को देखते हैं, बड़े सारे लोग होते हैं जिन सारी चीजों को देखते हैं और जीवन में इतिहास गवाह है। जो इंसान जिस चीज को देखेगा उस इंसान को वही चीज नजर आएगा। और आप परेशानियों पे फोकस करेंगे तो आपके पास परेशानियां नजर आएंगी, और आप कामयाबी पे फोकस रखेंगे तो आपके पास कामयाबी नजर आएगी। और दोस्त बात करें, बड़ी सारी परेशानियां आती गई, बड़ी सारी दिक्कतें आती गई, पर मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। बस एक ही चीज था मुझे अपने आप पे और अपने अपलाइन पे मुझे भरोसा था, विश्वास था, मुझे अपनी मेहनत पे भरोसा था, अपने अपलाइन पे भरोसा था। अगर मैं बात करूं उस स्तर से, इस जगह की मैं बात करूं, अगर एक साधारण शब्द में बोलूं तो आज उस जगह से आज मैं इस जगह पहुंचा हूं, तो उसका रीजन एक ही है, मैंने अपलाइन पे भरोसा और विश्वास करके मैंने काम किया था। मैंने कभी भी अपना दिमाग लगाकर नहीं काम किया था। आज मैं बात करूं जो भी मेरे पास अचीवमेंट है, जो भी रिजल्ट है, मैंने कभी अपना दिमाग लगाकर काम नहीं किया था। यहाँ पर बैठे हुए बड़े सारे लोग हैं जो अपने अपने दिमाग से काम करते, अपने अपने अनुसार काम करते। लोगों को लगता है यार ऐसा है वैसा है, यकीन माने जिस दिन आप अपने अपलाइन के अनुसार बताए हुए रास्ते पर काम करना स्टार्ट कर देंगे ना, यकीन बता रहे हैं, मात्र 6 महीना आपका लगेगा, 5 से 6 महीना। और 5 से 6 महीना ना आप कहाँ होंगे, आपको नॉलेज नहीं है, सच बता रहे हैं। 5 से 6 महीना आप बेहतर, आप बाहर बड़े सारे लोगों की बातें सुने होंगे, बाहर आप बड़े सारे काम किए होंगे, मुझे पता है, मुझसे भी ज्यादा आपके पास नॉलेज है, जानकारी है, समझदारी है। पर यकीन माने आप जिस प्रोफेशन में है, आप जिस भी जगह है, मात्र एक बार आप भरोसा और विश्वास करके काम करें, अपने अपलाइन के अनुसार काम करें, और 5 से 6 महीने बाद आप लिख लीजिएगा, 5 से 6 महीने बाद आप कहाँ से कहाँ होंगे आपको पता नहीं है। आप कभी सोचे नहीं है आपको वो चीज ग्लेश से मिलेगा। मैं भी कभी सोचा नहीं था कि आगे चलकर मैं भी इतना बड़ा कभी पैसा कमाऊंगा। मैं भी नहीं सोचा था कभी मैं बड़े बड़े सपने पूरे कर पाऊंगा। मैं भी नहीं सोचा था कभी मेरे पास इतना अच्छा पर्सनालिटी होगा। मैं भी कभी नहीं सोचा था मेरी इतना बड़ा सारा कोई बात सुनेगा। अब तो फिलहाल आप तो समान एज के हैं। मैं बात करूं कि मेरे पापा के भी एज का लोग ना, जब मैं कभी रहता हूं मेरे डाउन में, मेरे पापा के एज का लोग जब कभी आ जाता है बोलते हैं सर, तो मुझे शर्म आती है। हेलो, जब बोलते हैं सर बताइए सीढ़ी से पीढ़ी कैसे बने, तो मैं बोला साला सोचता हूँ बाहर का नॉलेज एक्सपीरियंस इनके पास इतना है, और साले पूछे हम ही से सीख रहे हैं सीढ़ी स्पीडी कैसे बनना है। हेलो, मैं इनके सामने इनका लड़का जैसा हूँ, बच्चा जैसा हूँ, और हमें से बोल रहे हैं सर हमें कुछ सिखाइए समझाइए। हेलो, आपने कुछ दिन याद आता है कि मेरा प्लान ने मेरे साथ एक वादा किया था सलमान, एक टाइम आएगा एक दिन ऐसा आएगा जो कभी
आप सोचे भी नहीं होंगे तो मुझे कभी याद आता है वाकई यार बात सही है। जब मैं इस कंपनी काम कर रहा था आपके ही लेवल पे दोस्त, बड़ी सारी परेशानियां आती गई, बड़े सारे लोग गलत बड़ा बुरा बोले, बड़े सारे लोग ऐसा भी बोले कि आप जिस जगह गए हो ना, हेलो, बड़े सारे ऐसे भी लोग बोले कि आप जिस जगह गए हो ना आप फंस गए हो, हेलो, बड़े सारे लोगों ने बोला कि आप जिस जगह गए हो ना आप फंस गए हो, वहाँ कुछ होता नहीं है। तो हमने बोला साला हम तो फंस गए, चलो कुछ नहीं होता है, तुम तो साला फंसे नहीं हो, कौन साला तीर मार दे रहे हो, हेलो। देते हैं कि साला उसकी तरह बनना है जो आपके स्कूल में टॉप आया है, सोचिए।